सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज संडे के दिन हम सुबह सुबह हल्द्वानी से पहुंच चुके हैं नैनीताल की चढ़ाइयों में, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो हम हल्द्वानी से निकल चुके थे 5 बजे चाइना पीक ट्रैक के लिए, जो कि पड़ता है नैनीताल में। और जो ये ट्रैक है चाइना पीक, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। और जो चाइना पीक है वो नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, और यहाँ से आपको पूरा नैनीताल का व्यू दिख सकता है। और बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आज हम जा रहे हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं नैनीताल घूमने, कहीं से भी बाहर से घूमने, दिल्ली विल्ली से कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप ये ट्रैक ज़रूर करें। अगर हो सके तो मॉर्निंग के टाइम में करें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ठंडा रहता है सुबह सुबह। तो हमने अपनी बाइक तो नीचे खड़ी कर दी है और पैदल जा रहे हैं। तो ये रास्ता देखिए हम जा रहे हैं, और ये एरिया है हाई कोर्ट वाला एरिया है पूरा नीचे को यहाँ से। और काफ़ी टाइम बाद पैदल चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सांस फूल रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और अपने साथ अपने मॉर्निंग पार्टनर लोकेश दा, जो आज हमें लाए हैं चाइना पीक ट्रैक में। तो चलिए चलते हैं और यहीं से व्लॉग। एक्सप्लोर विद गोलू। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। और ये देखें, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है आजकल नैनीताल का, क्योंकि एक दो दिन से यहाँ बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी मौसम ठंडा हो चुका है। और अभी हमें जाना है ऊपर वाली रोड में, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं चाइना पीक का ट्रैक। सो अभी गाइस सुबह सुबह इतनी शांति है नैनीताल में, खाली रोड है ऊपर। अभी हम पहुंच चुके हैं चाइना पीक वाली रोड पे, मतलब चाइना पीक अभी आया नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर और होगा अभी। तो जो रोड है बड़ी सुनसान है, और दिन के टाइम वैसे ही ये रोड, यहाँ चलने लायक जगह नहीं मिलेगी आपको, इतना ट्रैफिक मिल जाएगा, क्योंकि आजकल वैसे ही टूरिस्ट आ रखे, इतना सीज़न टाइम है आजकल वैसे ही। तो रोड देखिए कितनी सुनसान है अभी, और यही रोड 9-10 बजे के बाद ऐसी भर जाएगी, यहाँ चलने लायक जगह नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए बेटर है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी ट्रैक कर ले, अगर आप लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। और अगर आप लोग चाइना पीक जा रहे हैं तो सुबह सुबह ट्रैक कर लीजिएगा, और अच्छा भी रहेगा क्योंकि ठंडा मौसम रहता है इस वजह से। तो ये देखिए पेड़ देखिए कितने बढ़िया, थोड़ा इस देखिए हम पहुंच चुके हैं नैना चाइना पीक वाले ट्रैक में, नैना किलबरी इको टूरिज्म जोन। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से होता है ट्रैक शुरू, और ये है, ये आगे गांव को जाता है ये रोड। और यहाँ से ये देखिए, ये होता है चाइना पीक ट्रैक शुरू, यहाँ से 3 किलोमीटर का। हाँ, और यहाँ का शुल्क देखिए, प्रवेश शुल्क है यहाँ का 50 रुपये, जो कि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता था। और यहाँ से स्टार्ट तो रहे ट्रैक 3 किलोमीटर का, और यह है पूरा व्यू। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेंकी से नैना पीक 3 किलोमीटर, टेंकी से किलबरी 7 किलोमीटर है। प्रवेश शुल्क 50, भारतीय विदेशी दोनों के लिए सेम ही है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजक्शन रिजर्व नैना रेंज। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, और ये है टिकट हाउस। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो इस वजह से कोई दिख नहीं रहा है यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं संडे का मॉर्निंग ट्रैक चाइना पीक। सो गाइस देखिए,
फॉरेस्ट 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 वालों ने अब जगह जगह ऐसे बोर्ड लगा दिए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। नैना पिक किलबरी इको टूरिज्म जोन, नैना पिक किलबरी नेचर व्यू, और यहाँ से हिमालयन व्यू पॉइंट है ये यहाँ पर, तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा। दोनों रास्ते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा हिमालयन व्यू पॉइंट, और कितनी शांति है गाइस, बहुत शांति है। अभी खाली हम दो ही दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहीं हम साइकिल से भी गए हुए गाइस जब यहाँ स्नोफॉल हुई थी। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं उस व्लॉग को ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, देखना। बहुत मज ट्रैक था वो, मतलब साइकिलिंग वाला टूर था हमारा वो, ऐसी जगह पे हम साइकिल से गए थे, तो आप वो वाला व्लॉग भी देखना मेरा। और ये देखना कितना शांति है, ग्रीनरी कितनी है, पहाड़ों का नेचर। सो गाइस आपको अभी यहाँ का ट्रैक दिखाता हूँ, कितना खतरनाक ट्रैक होगा, क्योंकि अभी जो बारिश हुई है उससे थोड़ा ट्रैक भी ख़राब हो गया, तो ट्रैक देखिए कितना खतरनाक हो रहा है। ये देखिए गाइस, ओ तेरी हर हर महादेव, ऐसा ट्रैक खतरनाक। और सूर्य देव के भी दर्शन हो चुके हैं हमें चाइना पीक से, अब बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे हम। वाह, सो गाइस देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं चाइना पीक वाली लोकेशन में। ये सामने आपका फॉरेस्ट का जो वॉकी टॉकी वाला रूम है जहाँ चाय वाय भी मिलती है, और यहाँ से हम जाएंगे अब चाइना पीक जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। और ज़्यादा भीड़ तो है नहीं अभी, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हल्द्वानी में होते तो अभी तक मैं शायद अभी बिस्तर में लेटा होता, पर यहाँ आके देखिए कितना मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। और नीचे देखिए क्या मस्त व्यू है, लोकेशन नीचे देखो व्यू। कैंपिंग करने में मज़ा आएगा यहाँ फॉरेस्ट के बीच में एकदम, पर भालू ना आ जाए बस। पूरी ग्रीनरी देखिए आप, पहले तो आग लग गई थी तब तो सारे पहाड़ों के जंगल जल गए थे, पर अब थोड़ी ग्रीनरी आने लग गई है, तो अब जैसे जैसे बारिश होती रहेगी वैसे वैसे ग्रीनरी बढ़ती रहेगी और पहाड़ों का दृश्य और अच्छा होता रहेगा। और सामने देखिए हमारे सूर्य देव भी आ चुके हैं, देखिए क्या प्यारा व्यू आ रहा है। ये मज़ा आ गया, संडे का दिन सुबह सुबह, जय श्री राम। सो गाइस जहाँ हम निकले थे, जिस चीज़ के लिए हम सुबह निकले थे, सुबह सुबह घर से अपने, फाइनली उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं, और आपको दिखाता हूँ अभी व्यू। तो चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अभी हम हैं नैनीताल की हाईएस्ट पीक में, चाइना पीक में, और सामने देखिए आप नैनीताल की ताल दिख रही है सामने आप देखिए, और पूरा ये नैनीताल व्यू, उधर आपका स्नो व्यू, ये बीच में नैनीताल, और ये सारे आपके घर। और पूरा देखिए हल्का हल्का क्लाउडी हो रखा है, धुंधला धुंधला मौसम हो रखा है, और इधर की साइड को आपका पंगोट है। थम्स अप फॉर दिस व्यू। ये देखिए, और जो बोलते हैं ना नैनीताल का आम, आम के शेप में आता है ये पूरा, आपको दिख रहा होगा आम के शेप में व्यू। और ये देखिए पांडे जी आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पांडे जी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडिया की जर्सी में, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बहुत समय का था ये कि सोचा हुआ था कि सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए चाइना पे आना है, आज फाइनली हो गया है। और अपने भाई लोग भी आ रखे आज पंत नगर से, दो भाई सुबह सुबह पहुँच गए थे। ये देखिए बहुत बढ़िया मस्त गाइस, ये देखिए पेड़ देखिए कितने मस्त पेड़ वर्ग है, कितने हरे भरे पेड़ वर्ग है। रास्ता देखिए कब बढ़िया कांटे वाले पेड़ है, और स्लिपरी भी बहुत ही, वाह वाह गाइस वाह, मजा आ गया, वाह
एक नंबर। सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हम जन्नत में। कितना बढ़िया, कितना ठंडा हो रहा है यहाँ। वाह वाह हाय, ये देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेचर को, हमारे पेड़ों को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, लिखना है तो अपने शरीर में लिख के दिखाओ, ऐसे नाखून अपने स्किन में। और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये देखिए वाव, एक नंबर व्यू गाइस, चाइना पीक। और ये देखिए गाइज, अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। और हमारा फाइनली ट्रैक हो चुका है 3 किलोमीटर का पूरा। तो गाइज अब धूप भी आ गई है, तो अब चलते हैं टाइम से घर, क्योंकि फिर देर हो जाएगी, तो फिर आपको पता ही है जाम लगना है, आज संडे है वैसे। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ को, मिलते हैं जल्दी से फिर एक और व्लॉग में। तो व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड तो नीचे करते हैं, अब चलते हैं चाय वाय पियेंगे नीचे, नैनीताल भी दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं चाइना पीक से। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में, जहाँ से हमने अपना बाइक रखी थी वहाँ से ऊपर। सो गाइस चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, आज का संडे का दिन बहुत बढ़िया गया। तो अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं तो ये ट्रैक करना ना भूलिए, नैनीताल का सबसे बढ़िया ट्रैक है 3 किलोमीटर का। और नैनीताल की जो हाईएस्ट पीक है, जिसे बोलते हैं चाइना पीक, वो पीक में जाके आपको ऐसा व्यू मिलेगा, आपने व्लॉग में तो देख लिया होगा। अगर आप लोग व्लॉग में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।